इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्ला ने भी इसराइल के उत्तरी इलाकों पर कई रॉकेट हमले किए हैं। नेतन्याहू ने अपने घर पर हुए हमले को हिजबुल्ला की भावी गलती करार दिया। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी हत्या का ये प्रयास हिजबुल्ला को खत्म करने से नहीं रोक सकता। हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया की ड्रोन से निशाना बनाया था। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस हमले की पुष्टि की थी। पीएमओ ने बताया कि इस हमले में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी साबा घर पर नहीं थे। ड्रोन सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक लेबनान से इसराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजरायली फोर्सेस ने 2 ड्रोन को मार गिराया। IDF ने माना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा और हम ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं।